गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट, कि मास और वेट में क्या डिफरेंस होता है वो हम लोग समझने वाले हैं। तो चलिए समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मास के बारे में, कि मास होता क्या है। एनी बॉडी और एनी ऑब्जेक्ट कंटेन अ मैटर आर कॉल्ड मास। कोई भी बॉडी है या कोई भी ऑब्जेक्ट है, वो जितना मैटर को कंटेन किए हुए रखेगा वो उस ऑब्जेक्ट का मास इंडिकेट करता है, मास को बताता है। जैसे ये एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट का जो फॉर्मेशन हुआ है वो बहुत सारे पार्टिकल्स के कॉम्बिनेशन से हुआ है ना। इसमें सो मेनी पार्टिकल्स, इट मींस बोलूं तो बहुत सारे पार्टिकल्स मिले तब इस ऑब्जेक्ट का फॉर्मेशन हुआ। इट मींस इसमें जितने मैटर प्रेजेंट होंगे वो इस ऑब्जेक्ट के मास को इंडिकेट करेंगे। आप समझ पा रहे हैं? तो मैंने क्या बोला कि कोई भी बॉडी है या कोई भी ऑब्जेक्ट है जो वो मैटर को कंटेन किए हुए रखता है वो क्या होता है, उस ऑब्जेक्ट का मास को बताता है, वो ऑब्जेक्ट का मास कहलाता है। ठीक है, अब ये तो था मास के बारे में। अब वेट क्या होता है, तो वेट को हम लोग चलिए समझते हैं। द फोर्स एग्जर्टेड ऑन अ बॉडी बाय ग्रेविटी इज कॉल्ड वेट। कोई भी बॉडी है या कोई भी ऑब्जेक्ट है, जब उसको अर्थ अपने टुवार्ड क्या करता हो, अट्रैक्ट करता हो, एक फोर्स लगाता हो, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, वेट कहते हैं। जैसे ये आप देख पा रहे हैं कि ये एक ऑब्जेक्ट है, अगर इसको हम लोग छोड़ दें तो वो क्या होगा, फॉल कर जाएगा, है ना, फॉल कर जाएगा। इट मींस अर्थ इसको अपने टुवार्ड अट्रैक्ट कर लेगा, तो यहां पर ये क्या कहलाएगा, वेट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, वेट कहलाएगा। कोई भी बॉडी या कोई भी ऑब्जेक्ट में अर्थ जो है एक फोर्स लगाता है, एग्जर्ट करता है, तो उसे हम लोग क्या करते हैं, वेट करते हैं, है ना, क्या कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं। ठीक है, मास को हम लोग स्मॉल एम के थ्रू से इंडिकेट करते हैं, जबकि वेट को हम लोग किससे इंडिकेट करते हैं, डब्ल्यू के थ्रू से इंडिकेट करते हैं। मास जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। मास कैसा क्वांटिटी है, तो स्केलर क्वांटिटी है। मास इज अ स्केलर क्वांटिटी। मास स्केलर क्वांटिटी क्यों है, क्योंकि मास में सिर्फ आपका मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन का पता नहीं होता। इस वजह से मास जो है वो कैसा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। जबकि अगर मैं बोलूं कि वेट जो है वो कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। कैसा क्वांटिटी है जी, वेक्टर क्वांटिटी है। और वेक्टर क्वांटिटी क्यों है, क्योंकि वेट में मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या होता है, डायरेक्शन का भी पता होता है। इस वजह से वेट जो है वो कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। मास जो होता है वो कभी भी जीरो नहीं हो सकता, मास कैन नॉट बी जीरो। ठीक है, ये कभी भी जीरो क्या हो सकता है, नहीं हो सकता, ये कभी भी जीरो आपका नहीं होगा। मास जो है वो कभी भी जीरो नहीं होगा, कहीं भी ले जाओ आप, है ना, किसी भी प्लेस में आप कोई भी ऑब्जेक्ट को ले जाओ, उसका मास कभी भी जीरो नहीं होगा। लेकिन वेट जो है वो आपका जीरो भी होता है, पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। मैं क्या बोल रहा हूं कि मास कभी भी जीरो नहीं हो सकता, कहीं भी किसी भी प्लेस में, लेकिन वेट जो होता है वो जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, तीनों हो सकते हैं। ठीक है, कैसे हो सकता है ये मैं बताऊंगा। ठीक है, अब यहां समझिएगा कि मास का जो यूनिट होता है, मास का जो एसआई यूनिट है वो क्या है, केजी है। मास का एसआई यूनिट क्या होता है, केजी, किलोग्राम, है ना, ये मास का क्या है, एसआई यूनिट है। जबकि वेट का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या फिर आप न्यूटन बोल सकते हो, दोनों में से कोई भी बोलिए, दोनों किसका यूनिट है, वेट का यूनिट है। या तो वेट का यूनिट आप न्यूटन बोल सकते हो या तो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आया कैसे, सो समझोगे। देखिए, वेट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, W इक्वल टू mg, है ना, वेट इक्वल टू क्या होता है, मास
इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जो जी है ये स्मॉल जी है, स्मॉल जी क्या इंडिकेट करता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। और एम क्या इंडिकेट कर रहा है, मास, कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी बॉडी का जो मास है और उसमें जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लग रहा है, ठीक है, वो क्या कहलाता है, किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट कहलाता है। मास का मैंने अभी क्या बताया, केजी है ना, केजी। और जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो किससे रिलेट करता है, तो एक्सेलरेशन से रिलेट करता है। और एक्सेलरेशन जो होता है, एक्सेलरेशन का जो एसआई यूनिट होता है वो क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर हुआ, तो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया। तो इसलिए मैंने बोला कि वेट का जो यूनिट होता है वो क्या हो गया, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया। और कैसे आया आपको पता चला, है ना, क्योंकि ये क्या है, वेट किसका प्रोडक्ट है, किसी भी ऑब्जेक्ट के मास का और उसमें लगने वाला एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का, है ना, क्योंकि अर्थ उसको अपने टुवर्ड अट्रैक्ट कर रहा है ना, तो इस वजह से इसका प्रोडक्ट है मास और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का। अब समझिएगा कि न्यूटन कैसे आया, तो एफ इक्वल टू जो फॉर्मूला होता है वो होता है एम ए का, एफ इक्वल टू क्या होता है, एम ए का। और यहां पर जो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी बॉडी को अर्थ अपने टुवर्ड में अट्रैक्ट करता है तो ये तो एक्सेलरेशन है, लेकिन वो किसके टुवर्ड में अट्रैक्ट हो रहा है, तो अर्थ के टुवर्ड, इट मीन बोले तो ग्रेविटी। तो इसलिए उसको हम लोग ए को रिप्लेस करते हैं जी से, है ना, तो एफ इक्वल टू एम जी। और फोर्स जो होता है वो किसके बराबर होता है, तो आपका वेट का। तो यहां पर एफ जो है वो रिप्लेस हो गया किससे, डब्ल्यू से, तो यहां पर आ गया डब्ल्यू इक्वल टू एम जी। और आपको पता है कि फोर्स का, इट मीन्स बोल रहे हैं कि फोर्स आपका वेट से ये हुआ, तो फोर्स का जो एसआई यूनिट होता है वो क्या होता है, न्यूटन होता है। तो इसलिए मैंने बोला या आप वेट का जो यूनिट होता है वो न्यूटन भी होता है, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी होता है। तो यहां पर हम लोग ये बोल सकते हैं कि एक न्यूटन जो है वो किसके बराबर है, एक केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के क्या है, इक्विवेलेंट है। एक न्यूटन किसके इक्विवेलेंट है जी, तो वन केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के इक्विवेलेंट है, के इक्वल है। ये मास और वेट के बीच में डिफरेंस है। आई होप आपको मास और वेट के बीच में डिफरेंस समझ में आ गया होगा।